नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति। मुख्य समाचारों के साथ मैं अरशाद अली। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में निकटवर्ती गांव बांडा कॉलोनी में मामा भांजा में किसी पारिवारिक बात को लेकर आपस में विवाद हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें मामा व भांजा दोनों घायल हो गए, जिन्हें राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एएसआई बाबू सिंह ने बताया कि बांडा कॉलोनी में रह रहे प्रकाश और उसके भांजे ओम प्रकाश में किसी पारिवारिक बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में प्रकाश, ओम प्रकाश और मंगला राम भाट निवासी बांडा कॉलोनी घायल हो गए, जो कि घायल अवस्था में बांडा कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां से तीनों को तुरंत प्रभाव से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनूपगढ़ में लाकर भर्ती करवाया गया, जिनका उपचार चल रहा है। एएसआई बाबू सिंह ने बताया कि दोनों ही पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं। बयानों में दोनों ने ही पारिवारिक विवाद के कारण झगड़ा होना बताया है। उन्होंने बताया कि बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिश्ते में से मामा भांजा लगते हैं, नजदीक में नजदीक परिवार से हैं और दोनों ही मजदूरी करते हैं, ईंट भट्टों में मजदूरी करते हैं दोनों, और शाम को पारिवारिक बात को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ। वो बांडा जो गांव है, बांडा कॉलोनी है, एक LSM में, और इनके दोनों के चोटें लगी हुई है। आगे ये रिपोर्ट अब जैसी देंगे वैसी कार्रवाई हो जाएगी। इनका मेडिकल करवा दिया है, ट्रीटमेंट भी करवा दिया। मैं रेनू शर्मा बाइक राइडर अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सपोर्ट करती हूँ। आप लोग अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें और इसके वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।